हरे कृष्णा दोस्तों, आज का विषय है कर्म। आइए देखते हैं कैसे। एक बार एक अमीर व्यक्ति मंदिर जाता है। पैरों में महंगे और नए जूते होने पर सोचता है कि क्या करूं, यदि बाहर उतार कर जाता हूं तो कोई उठा ना ले जाए, और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा, सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई देता है। वह अमीर व्यक्ति भिखारी से कहता है, भाई जब तक मैं पूजा करके वापस ना आ जाऊं तब तक आप मेरे जूतों का ध्यान रखोगे? भिखारी हाँ कर देता है। अंदर पूजा करते समय अमीर व्यक्ति सोचता है कि हे प्रभु, आपने यह कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया है कि वह पैरों में महंगे जूते पहनता है और किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा हो कि सभी एक समान हो जाए। वह अमीर व्यक्ति निश्चय करता है कि वह बाहर आकर उस भिखारी को 100 रुपए देगा। बाहर आकर वह अमीर व्यक्ति देखता है कि वह ना तो वह भिखारी है और ना ही उसके जूते। वह कुछ देर भिखारी का इंतजार करता है कि शायद भिखारी किसी काम से कहीं चला गया हो, पर वह नहीं आता। अमीर व्यक्ति दुखी मन से नंगे पैर घर के लिए चल देता है। रास्ते में थोड़ी दूर फुटपाथ पर देखता है कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। अमीर व्यक्ति चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचता है, पर क्या देखता है कि उसके जूते भी वहां बेचने के लिए रखे हैं। वह परेशानी में पड़ जाता है। फिर वह उस फुटपाथ वाले पर दबाव डालकर उससे जूतों के बारे में पूछता है। वह आदमी बताता है कि एक भिखारी उन जूतों को 100 रुपए में बेच गया है। अमीर व्यक्ति वहीं खड़े होकर कुछ सोचता है और मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल देता है। उस दिन अमीर व्यक्ति को उसके सवालों के जवाब मिल गए थे। समाज में कभी एकरूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समाज संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको कब और कितना मिलेगा, पर यह नहीं लिखा कि वह कैसे मिलेगा। यह हमारे कर्म तय करते हैं। जैसा कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपए मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे यह उस भिखारी ने तय किया। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, शोक लोक परलोक तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है और कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे आना है। तो दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और तब तक हरे कृष्णा।